नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। सीधे लिए चलते हैं आपको कर्नाटक, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे हैं। आप सभी युवा मित्रों के साथ, यहां के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बनाने में, उनसे मिलने में मुझे उतनी ही प्रसन्नता होती है। मैं अभिनंदन करूंगा श्री नारायण गौड़ा जी का, जिन्होंने यहां पर मांडिया कुंभ का आयोजन किया था। मित्रों, उस समय मुझे उस कार्यक्रम में आना था, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत फ्लड की सिचुएशन अनकंट्रोल होती जा रही थी, इसलिए मुझे वहां रुकना पड़ा था, अन्यथा मेरा आने का कार्यक्रम था यहां पर। और अद्भुत कार्यक्रम हुआ था, मैंने सुना था, हजारों की संख्या में पूज्य संतजन आए थे, भक्तजन आए थे। हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक इन तीर्थों को पुनर्जीवित करने का एक आयोजन था, और यह प्रधानमंत्री मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का भी एक माध्यम था। यह आध्यात्मिक आयोजन ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करते हैं। आपने पिछले 9 वर्षों के दौरान भारत को बदलते हुए देखा है। आज भारत दुनिया के अंदर जहां कहीं भी भारत का नागरिक जाता है, आज वो सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आज भारत दुनिया की एक ताकत बन रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जिस ब्रिटेन ने भारत को 200 वर्षों तक शासन किया था, आपने देखा होगा उस ब्रिटेन को पिछाड़ करके भारत आज दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और यही नहीं, आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में दुनिया के 20 बड़े देश G20 के देशों का नेतृत्व भी भारत के हाथों में आया है। यह भारत के सामर्थ्य और भारत की शक्ति का परिचय और भारत की आप जैसी प्रतिभाओं का परिचय वैश्विक मंच पर देता है। मित्रों, जब कर्नाटक की बात आती है तो वैश्विक मंच पर कर्नाटक ने आईटी के सेक्टर में जो धाग जमाई है, भारत की युवा प्रतिभाओं को दुनिया के अंदर कर्नाटक ने बेंगलुरु का उसका सबसे बड़े हब के रूप में स्थापित किया है। ये बेंगलुरु का आईटी के सबसे बड़े हब के रूप में स्थापित होना, ये साबित करता है कि हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास शक्ति है, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन 2014 के पहले नेतृत्व नहीं था, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व मिला। आज भारत की सामर्थ्य वैश्विक मंच पर दिखाई दे रही है, और इसीलिए आज आपने देखा होगा कांग्रेस विकास की बात करती है, विकास की बातें करती है, बड़ी बड़ी बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन विकास की उसकी हकीकत क्या थी? पंचवर्षीय योजना, एक प्रोजेक्ट बनता था, एक पंचवर्षीय योजना लग जाती थी, अगली पंचवर्षीय योजना में उसका शिलान्यास होता था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में कार्य आवंटन होता था, चौथी पंचवर्षीय आज प्रारंभ होते ही फिर वह प्रोजेक्ट दम तोड़ देता था और प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं होता था। यह कांग्रेस की असलियत थी। आज आप देख रहे होंगे रेलवे के कार्य हो रहे हैं, एयरपोर्ट के कार्य हो रहे हैं, आईआईटी और आईएम बन रहे हैं, कहीं आईटी सिटी बन रही है, कहीं पर किसी अन्य सेक्टर में कार्य हो रहा है, और कार्य का शिलान्यास जिस दिन होता है उसके उद्घाटन की तिथि भी उसी दिन तय हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी जी शिलान्यास भी करते हैं तो उद्घाटन करने के लिए भी आते हैं। भाइयों बहनों, आज एक तस्वीर बदली है, हर एक सेक्टर में कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है, और वो परिवर्तन आपने देखा होगा कैसे भारत एक कृषि प्रधान, बचपन से सुनते रहे हैं भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि प्रधान देश ने पिछली हुकूमत ने किया क्या था, पिछली हुकूमत ने किन हमारे किसानों के लिए क्या किया था, और कर्नाटक तो इसका जीता जागता उदाहरण है। लंबे समय तक यहां के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा था,
यहां की माताएं, यहां की बहनें खेती किसानों की हाथों खेती किसानी में अपना हाथ सहयोग के रूप में लगाती हैं। लेकिन किसान के हाथ में मिलता क्या था, उसे सम्मान नहीं मिला। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देकर के देश के किसानों का सम्मान किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को सम्मान दिया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों को सम्मान दिया है। एमएसपी का लाभ देकर के किसानों को सम्मान दिया है। एग्रीकल्चर के बजट को 5 गुना बढ़ाया है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में यह परिवर्तन भी आज हम सबको देखने को मिलता है। और भाइयों बहनों, रही बात, लोग मुझसे पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपको इतना सम्मान जनता क्यों देती है। मैंने कहा जनता इसलिए देती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार की सामर्थ्य और शक्ति का प्रदर्शन वहां पर मजबूती के साथ होता है। वहां पर सुरक्षा की गारंटी है, वहां पर समृद्धि की गारंटी है। नो कर्फ्यू, नो दंगा, और वहां पर है सब चंगा। पिछले 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, विकास की स्पीड बढ़ी है। और मैं डबल इंजन की सरकार का भी अभिनंदन करूंगा कि पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करके उसकी कमर को तोड़ने का कार्य भी कर्नाटक के अंदर हुआ है। आप सोचिए, एक और डबल इंजन की सरकार जो पीएफआई में बैन करती है, पीएफआई को बैन करती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो पीएफआई को तुष्टीकरण करने का कार्य करती है, उन्हें धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने का कार्य करती है, धर्म के आधार पर आरक्षण यह भारत के संविधान के विपरीत है, असंवैधानिक है। हमने अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, दिव्यांग जनों के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, अन्य जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ दिया है। लेकिन धर्म के आधार पर 1947 में भारत का विभाजन हो चुका है। भारत धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत नहीं कर सकता है, अन्य विभाजन के लिए हम तैयार नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी का मानना है, क्योंकि हम सब मानते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना ही भारत को आगे बढ़ाएगी। और भारत की इस परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। मित्रों, डबल इंजन की सरकार की सामर्थ्य ही है आज विकास हरेक स्तर पर देखने को मिलता है। हरेक स्तर पर हमें डेवलपमेंट के कार्य देखने को मिलते हैं। हम पुष्टिकरण नहीं, हम सशक्तिकरण पर विश्वास करते हैं। हमने किसान की कनेक्टिविटी और किसान की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाने का कार्य किया है। आज युवाओं के लिए न केवल कर्नाटक की गवर्नमेंट ने बेहतरीन कार्य किया है, चाहे यहां पर येदियुरप्पा जी रहे हो, चाहे वर्तमान में बोम्मई जी के नेतृत्व में हो रहे कार्य हो, कर्नाटक के अंदर तेजी के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मजबूती के साथ उतारने वाले राज्यों में कर्नाटक एक राज्य है जिसने सबसे पहले से लागू करने का कार्य किया है। ये यूथ के लिए कंटेन भी देता है, यूथ को अनेक कार्यक्रमों के साथ भी जोड़ता है, यूथ को टेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़ता है, और यूथ को एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है। और मैं अभिनंदन करूंगा कर्नाटक गवर्नमेंट का, जिन्होंने समय से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करके आज कर्नाटक के युवाओं के लिए ढेर सारे अवसर उपलब्ध करवाए हैं। ये ढेर सारे अवसर यहां की आवश्यकता थी, और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे अपील करने के लिए। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार ही सुरक्षा की गारंटी दे सकती है। ये डबल इंजन की सरकार ही
समृद्धि की गारंटी दे सकती है। ये डबल इंजन की सरकार ही हम सबको एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के साथ जोड़ करके श्री राम और श्री हनुमान जी की मित्रता के उस बंधन को मजबूती प्रदान कर सकती है और उसी सामर्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं अपील करने के लिए आया हूं। एक ओर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत एक टीम इंडिया के रूप में कार्य कर रही है। टीम इंडिया के कैप्टन के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व मिलना है और एक कर्नाटक को चाहिए कि टीम इंडिया में हमारे कितने प्लेयर शामिल हो यह कर्नाटक की टीम को तय करना है, कर्नाटक की जनता को तय करना है। जितने अधिक प्लेयर होंगे, जितने अधिक सीट भाजपा के पक्ष में जाएगी, टीम इंडिया में उतना ही सशक्त नेतृत्व भी मिलेगा और टीम इंडिया उतनी मजबूती के साथ डबल इंजन की सरकार के रूप में कार्य करेगी। कांग्रेस का फेल्ड इंजन भारत को त्रासदी की ओर लेके जाता है, लेकिन डबल इंजन की भाजपा की सरकार हमें सुरक्षा और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ाने का कार्य करती है और उस प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत जिस सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रहा है, एक टीम इंडिया के रूप में, एक कैप्टन के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। उस गौरव की अनुभूति के साथ जोड़ने के लिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मांडिया जनपद में आपने यहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जिता करके भेजा, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आपने एमएलए के रूप में भी यहां शुरुआत की थी और अब मैं आया हूं यहां पर, इन सभी सीटों पर कमल चुनाव चिन्ह को खिला दीजिए, कमल के सिंबल को एक बार चुनाव जिता करके भेज दीजिए। भाइयों बहनों, मांडिया अपनी समृद्धि के लिए विख्यात था, धन धान्य के लिए समृद्ध था, कृषि के लिए, वानिकी के लिए विख्यात था। फिर से मांडिया के इस गौरव को पुनर्स्थापित करना है, कर्नाटक के इस गौरव को फिर से स्थापित करना है। कर्नाटक विकास की दूरी के साथ देश को जिस प्रकार से एक स्पीड देता है, उस स्पीड के साथ हम सब जुड़ करके कार्य करेंगे। और अंत में मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, आप यहां पर डबल इंजन की सरकार फिर से लाने में मदद करिए और मैं आपको आमंत्रित करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, आपने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में योगदान किया था, अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, जनवरी 2024 में मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका होगा और प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से मंदिर का रामलीला विराजमान अपने भव्य मंदिर में होंगे। 500 वर्षों में पहली बार होगा जब प्रभु राम अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे। भाइयों बहनों, हर भारतवासी के लिए ये गौरव की बात होगी और मैं आप सभी बजरंगबली के अनुयायियों को आमंत्रित करने के लिए आया हूं, प्रभु राम के मंदिर में रामलला के विराजमान होने के शुभ अवसर पर मैं आपके स्वागत की उत्सुकता से वहां तैयारी कर रहा हूं। मुझे प्रसन्नता होगी आप उस समय डबल इंजन की सरकार के साथ मिलकर के कार्य करेंगे। कर्नाटक सरकार ने, बोमई जी ने कहा था कि कर्नाटक के लोगों के लिए एक अच्छा गेस्ट हाउस बनाना है, हमें स्टेट गेस्ट हाउस बनाना है अयोध्या में, हमने जमीन आवंटित कर दी है, कर्नाटक गवर्नमेंट को जमीन आवंटित कर दी है, अब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, मैं तो वहां स्वागत के लिए हुई। लेकिन साथ साथ कर्नाटक गवर्नमेंट का भी वहां एक स्टेट गेस्ट हाउस होगा अयोध्या में और इस जिससे मैं आपको आमंत्रित करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण कार्य पूरा होने के बाद जब रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे, उस अवसर पर कर्नाटक की ओर से आप सबकी उपस्थिति हो, इसके लिए आप कर्नाटक के सभी भाइयों बहनों को आमंत्रण देने के लिए आज मैं इस अवसर पर विशेष रूप से यहां पर आया हूं। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को
भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे, आप सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे? इलिना अभ्यर्थी अवरन्नु निवेला ई बारी गेली सके बुके भाजपा को चुनाव जिताएंगे। आप सब मेरे साथ बोलेंगे जय भारता जननिया तानु जाते, जय हे कर्नाटका माते, जय कर्नाटका माते, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो सिर्फ पंचवर्षीय योजना होता था, लेकिन आज बीजेपी है तो आज बीजेपी ने देश की अर्थव्यवस्था को पांचवें नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने मिशन कर्नाटक का चुनाव प्रचार का शुभारंभ किया। दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। सीएम केजरीवाल के आवास पर प्रदर्शन जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। सीएम आवास में करोड़ों के खर्च को लेकर लगातार बीजेपी का सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन जारी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ इंडिया वॉइस पर साझा कर रहे हैं। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के आवास पर प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। तो अहम जानकारी इस वक्त की आपके साथ इंडिया वॉइस पे साझा कर रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम केजरीवाल के आवास पर प्रदर्शन जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से केजरीवाल के घर के रिनोवेशन के खर्च को लेकर बीजेपी ने माहौल बना दिया है। बीजेपी ने प्रदर्शन अपना जारी कर दिया है। सीएम आवास में करोड़ों के खर्च को लेकर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। अहम जानकारी इस वक्त आपके साथ साझा कर रहे हैं। बीजेपी ने दिल्ली के सीएम की ओर से अपने आवास पर कथित तौर पर 45 करोड़ रुपए खर्च करने को लेकर उन्हें शाही राजा भी बताया है, जिस पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी ने भी कहा यह घर 80 साल पुराना है और यह सुरक्षित नहीं रह गया था, इसलिए इसको दोबारा से बनवाने की जरूरत थी। बीजेपी का आरोप है कि टैक्स भरने वाले लोगों के पैसे से अरविंद केजरीवाल ने 45 करोड़ रुपए अपने आवास पर खर्च कर दिए। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की इंडिया वॉइस पर आपके साथ साझा कर रहे हैं। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सीएम आवास के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के सीएम आवास पर 45 करोड़ रुपए के रिनोवेशन का डेटा सामने है, जिसको लेकर आज बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर संगीन आरोप लगाया। इसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह राज्यसभा सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आवास 80 साल पुराना है, इस वजह से इसमें रेनोवेशन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि एलजी के यहां भी 19 करोड़ रुपए का रेनोवेशन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवास 500 करोड़ रुपए की बन रही है। संजय सिंह ने यह बयान दिया है। तो अहम जानकारी इस वक्त आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी का आरोप है कि टैक्स भरने वालों से पैसे से अरविंद केजरीवाल ने 45 करोड़ रुपए अपने आवास पर खर्च किए हैं। बीजेपी का कहना है कि जब दिल्ली कोविड के चपेट में थी तो दिल्ली के मुखिया करोड़ों का खर्च करके अपने घर को सजा रहे थे।
बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली सीएम आवास पर प्रदर्शन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की इंडिया वॉइस पर आपके साथ साझा कर रहे हैं, बीजेपी प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अहम जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं, बीजेपी प्रदर्शनकारियों को सीएम आवास के बाहर से हिरासत में लिया गया है। प्रदर्शनकर्ताओं को सीएम आवास के बाहर से पुलिस ने हिरासत में लिया। आपको बता दें, सीएम केजरीवाल की आवास पर लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें, सीएम अरविंद केजरीवाल पर 45 करोड़ रुपए का खर्च करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने लिखा है, जनता के पैसों का दुरुपयोग कर रही है आम आदमी पार्टी और दिल्ली के सीएम केजरीवाल। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित न्यूजरूम से हमारे साथ जुड़ गई है। स्वीटी, खबर सामने आ रही है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, ये मामला पूरा बताइए, कैसे शुरुआत हुई इस मामले की? देखिए दिनकर, एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से एक खबर आई थी, जब अरविंद केजरीवाल के आवास में रिनोवेशन के दौरान जो है ये तमाम कार्य चल रहे और इन पूरे कार्यों का लेखा जोखा 45 करोड़ रुपए निकल के आया है। यानी कि अगर छोटी से छोटी चीजों का ध्यान दिया जाए तो देखिए 1 लाख का तो सिर्फ पर्दा बताया जा रहा है, ऐसे एक पर्दे नहीं कई पर्दों का ऑर्डर दिया गया था। यानी कि पर्दों का खर्चा अगर सिर्फ बात की जाए तो 1 से 2 करोड़ रुपए का बैठा है। इसके बाद उनके वल भी फॉरेन से इंपोर्ट कराए गए थे। ये पूरा एक बिल निकल के सामने आया है कि किस तरीके से टोटल खर्चा जो है वो 45 करोड़ का बताया जा रहा है, जो कि एक बड़ा अमाउंट माना जा रहा है सीएम आवास के लिए। और सीएम अरविंद केजरीवाल वही शख्स है जिन्होंने जब शपथ ली थी सीएम की पहले कार्यकाल में, उन्होंने ये कहा था कि मुझे लाल बत्ती वाली गाड़ी भी नहीं चाहिए, मुझसे महज 4 से 5 कमरों का एक आवास चाहिए जिसमें हम रह लेंगे, हमें कुछ वो सुविधा नहीं चाहिए जो आमतौर पर एक सीएम को मिलती है। और इसी को लेते हुए लगातार बीजेपी वार कर रही है आम आदमी पार्टी पे, केजरीवाल पे। और यही इसी संदर्भ में देखिए, संबित पात्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने महाराजा स्पेशल कोट किया है सीएम केजरीवाल को, महाराजा कोट करते हुए कहा है कि ये वही महाराजा है जो अपने शीश महल को रिनोवेट कर रहे हैं, बना रहे हैं शीश महल, और ये वही महाराजा है जिन्होंने पहले कार्यालय के दौरान उन्होंने ये कहा था कि हमें 1 भी रुपए नहीं चाहिए, हमें वो सुविधा नहीं चाहिए जो आमतौर पर सरकारी नेताओं को मिलती है। और आज देखिए कहां गया, जहां लोग कोरोना के चलते जो है किस तरीके से त्राहिमाम पूरा देश हो चुका था, हर तरफ से लाशें पसरी हुई थी, वहां अरविंद केजरीवाल उस दौरान अपने घर को अपने शीश महल। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन सामने आई है। संजय सिंह राज्यसभा सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि वो घर 80 साल पुराना था, 1942 में उस घर को बनाया गया था, घर की छतें 3 बार गिरी थी, तो क्या उस लिहाज से अगर हमने रिनोवेशन करवा दिया तो कौन सा बड़ा पाप कर दिया। उन्होंने 2-4 संदर्भ भी गिनाए, उन्होंने कहा कि एलजी साहब का घर 19 करोड़ में रिनोवेट किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अपने आप को फकीर बताते थे 500 करोड़ रुपए की लागत से अपना घर बनवा रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम वार का पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी के कई नेता सामने आए हैं। राघव चड्ढा की बात की जाए तो वो भी सामने आए हैं, संजय सिंह भी सामने आए और यही कहा है कि आखिर हमने जो 1942 में जो ये आवास बनाया गया था उस समय ये आवास से पानी टपकता था, कच्चा था और इतना कच्चा था कि एक बार गिर चुका है, उसके बाद से दोबारा इसको बनाया गया और अब हम जब वही आवास को बना रहे हैं, क्योंकि ये सीएम आवास है, सरकारी आवास है, वही आवास को हम बना रहे तो इसमें दिक्कत क्या है? चूंकि 500 करोड़ की एक रकम भी तय की गई है जिसमें प्रधानमंत्री के आवास को रेनोवेट करने का एक रकम है जो बनाया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वीटी हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्व मंत्री जितेंद्र यादव के बड़े भाई की 13वीं में शामिल होने गाजियाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादियों को सरकार से लड़ना है, डीएमएसपी से लड़ना है, इनके पैसे से लड़ना है और इनके द्वारा टीवी चैनलों से लड़ना है, सोचो कितना कड़ा मुकाबला है। मार मार करके जान ले ली, वो सवाल नहीं आपके लिए, आपके लिए 1400 रुपए सिलेंडर नहीं है, जो एनकाउंटर वाली बात है, एनकाउंटर जाति धर्म और कानून की धज्जियां उड़ा करके हो रहे हैं। और मैं कहूंगा आपसे, अभी एक चिट्ठी लिखी एक पत्रकार ने जो इलाहाबाद और प्रयागराज का है, कहोगे तो मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा, उस सच्चाई को जान करके अगर आपकी हिम्मत हो और अगर पैकेज मतलब ठीक ठाक न मिला हो तो चिट्ठी को अपने चैनल में पढ़ देना। सुविधाएं नहीं दे, शिक्षा
शिक्षा नहीं दे पा रहे तो तमंचा बोल रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रहे तो तमंचा बोल रहे हैं। आखिरकार क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ये इसलिए बोल रहे हैं, अंग्रेजी में जो कहावत है ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, पुरानी आदतें जल्दी जाती नहीं है। उसी का परिणाम ये है, उसी का परिणाम ये है कि आपके शहर गंदे के गंदे हैं। अरे लखनऊ जैसी राजधानी, समाजवादियों का काम हटा दो क्या मिलेगा वहाँ पर? इसी शहर में मुझे याद है सबसे पहले नेताजी आए थे जिन्होंने मेट्रो का शिलान्यास और शुरुआत की थी। अगर आप में से पुराने कप्तान लोग वो जानते होंगे, मैं जब शहर में घुसा हूँ जिस रास्ते से आया हूँ साइकिल ट्रैक देखी वो बर्बाद हो गई। आज अर्बनाइजेशन में साइकिल पे चलने वालों के लिए क्या सुविधा है? मजदूरों के जो दूर दूर से आते हैं घर मकानों को क्या सुविधा है? बीजेपी वाले बताएं एक ऑटो वाले को यहाँ पर पुलिस ने मार मार के मार दिया था, क्या सरकार ने मदद की थी? क्या उन पुलिस वालों को जेल भेज दिया था? समाजवादी पार्टी से सीधा मुकाबला है और समाजवादियों को सरकार से लड़ना है, बीएमएसपी से लड़ना है, बीजेपी के झूठ से लड़ना है, इनके पैसे से लड़ना है, इनके टीवी चैनलों से लड़ना है, तो सोचो कितना कड़ा मुकाबला है। मैंने बोला हाँ। इनसे स्वास्थ्य की सेवाओं को पूछोगे तो तमंचा बोलेंगे हाँ। इनसे पूछे कि आपने वादा किया था कि पढ़ाई सस्ती होगी तो बोलेंगे तमंचा। आप उनसे पूछे कि ट्रैफिक व्यवस्था नहीं ठीक पा रहे बोला तमंचा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो तमंचा। नदियां साफ नहीं कर पाए तो तमंचा। इसलिए मैंने कहा कि ओल्ड हैबिट्स हैव टू डाई। और जो महंगाई के सवाल है, आज बताइए सिलेंडर की कीमत क्या है? किसान का गेहूं खरीद लिया, आप जो पैकिंग में आटा खरीद रहे हो कितना महंगा खरीद रहे हो? एक परिवार में महिला समझती है कि इस सरकार की महंगाई की वजह से घर के कितना संकट आ गया है। सिलेंडर महंगा, दाल महंगी, आटा महंगा, आपके जितने भी तेल है खाने पीने के सब महंगे। महंगाई का जवाब नहीं है, महंगाई पे सवाल करोगे तो कहेंगे तमंचा, बेरोजगारी की बात पूछोगे तो कहेंगे तमंचा। आखिरकार है क्या इनके अंदर? बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।